What's up guys, Sonali Jia, welcome back to the channel. तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में एक म्यूजियम बनाने वाले हैं और उस म्यूजियम के अंदर हम लोग बहुत ही रेयर चीजें रखने वाले हैं। तो कई लोग अपने माइनक्राफ्ट म्यूजियम के अंदर काफी रेयर चीजें रखते हैं, जैसे कि मॉब्स हो गए, कोई यूनिक आइटम होगा, लेकिन मैं अपने माइनक्राफ्ट म्यूजियम के अंदर कुछ अलग ही चीज रखने वाली हूँ, वो आपको आगे चलकर की पता चलेगा, इसलिए वीडियो को पूरी देखना। तो मैं अपने माइनक्राफ्ट म्यूजियम के अंदर कुछ इस तरह के ब्लॉक्स यूज करने वाली हूँ, जैसे कि मेरे कासल के अंदर ब्लॉक्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर क्वार्ट्ज का ब्लॉक बहुत ज्यादा यूज हुआ है और डीप स्लेट लगा है, और मैंने अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल में भी यही ब्लॉक्स लगाए थे, तो मैं इन्हीं ब्लॉक्स का यूज करने वाली हूँ अपने म्यूजियम के अंदर। तो चलो गाइस चलते हैं अपना सामान इकट्ठा करने के लिए जो हमें म्यूजियम बनाने के लिए चाहिए। तो मुझे चाहिए काफी सारे स्टोन ब्रिक्स, तो आप लोग देखो कि मेरे पास काफी सारे स्टोन ब्रिक्स पड़े हुए हैं, पर इतने काफी नहीं है तो मुझे और भी बनाने होंगे। और यहाँ पर स्टोन पड़े तो उनको भी मैं ले लेती हूँ, इनको स्टोन कटर में रखकर इनका स्टोन ब्रिक्स बना लेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर मेरी कॉपर स्टोन की चेस्ट जो कि पूरी खाली हो चुकी है, क्योंकि मैंने अपने कासिल की वॉल्स बनाई थी और ये सारा डीप स्लेट है। तो ये वाला डीप स्लेट है जिसमें मैंने 20 घंटे माइन करके डायमंड बीकन बनाया था। तो चलो गाइस यहाँ से डीप स्लेट की कमी तो होने वाली नहीं है, और यहाँ पर 4 कॉबल स्टोन पड़ा हुआ है तो उसको मैं ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पर इतना ही कॉबल स्टोन था, तो इस कॉबल स्टोन को ले जा करके उसको स्मेल्ट कर देते हैं, और ये जल्दी से स्मेल्ट हो जाएगा तो कम से कम 4 ब्रिक्स तो बन ही जाएंगे, पर इतने काफी नहीं होंगे, मुझे और चाहिए। तो ये देखो माइनकार्ट आई और सारा इसमें डाल दिया, और ये पक्की रेडी हो जाएगा। तब तक के लिए मैं अपना यहाँ पर इन्वेंटरी खाली कर लेती हूँ, जितनी ज्यादा इन्वेंटरी खाली रहेगी मैं उतना ज्यादा सामान कैरी कर पाऊंगी। तो फिलहाल तो यहाँ पर जितना भी सामान आप लोगों को दिख रहा है सारा मैं टेम्पल से लेकर के आई थी, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाके देख सकते हो। तो चलो यहाँ पर मैंने सारा सामान रख दिया है, और जितना भी स्टोन ब्रिक्स था ना उसको मैंने दूसरे शेल्टर बॉक्स में रख दिया, जिसको मैं बाद में रख लूंगी। तो चलो गाइस यहाँ पर मेरे स्टोन पक्के रेडी हो चुके हैं, और ये जो सैंड है ना इसको डाल देते हैं, ये भी पक्की रेडी हो जाएगी क्योंकि बाद में काफी ज्यादा काम आने वाली है। तो जितना भी सैंड वैंड मुझे मिलता रहता है इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, और ये सीधा ग्लास बन जाता है जो कि सही भी है। तो मैं जाने वाली हूँ माइनिंग करने के लिए। वैसे तो मेरे पास कॉबलस्टोन जनरेटर है, पर से मुझे कॉबलस्टोन मिलेगा और कॉबलस्टोन को फिर उसको मुझे स्मेल्ट करना पड़ेगा, जिससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं सीधा यहाँ पर स्टोन माइन करूंगी ताकि मुझे स्टोन से सीधा उसको मैं ब्रिक्स में कन्वर्ट कर पाऊँ। तो वैसे मैं 11 या 10 पर माइन करने वाली हूँ ताकि मुझे डायमंड्स भी मिले। तो देखते गाइस कि मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। फिलहाल तो मेरी पिकैक्स पे सिल्क टच एफिशिएंसी 5 मेंडिंग और अनब्रेकिंग लगी हुई है। तो फिलहाल तो यहाँ पर आप लोग देखो कि मुझे स्टोन मिल रहा है क्योंकि सिल्क टच लगा हुआ है, तो कुछ इसी तरह से मैं माइन करने वाली हूँ। तो चलो गाइस जल्दी से मैं माइन करके आप लोगों से मिलती हूँ कि मैंने कितनी देर में क्या क्या इकट्ठा कर लिया। तो चलो गाइस इकट्ठा करते हैं। फाइनली गाइस मैंने काफी सारा स्टोन माइन कर लिया है, बस मुझे इसके स्टोन ब्रिक्स बनाने हैं। तो जल्दी से मैं स्टोन ब्रिक्स बना लेती हूँ और फिर चलते हैं अपने म्यूजियम वाली लोकेशन पर। तो फाइनली गाइस मेरे स्टोन ब्रिक्स बनके रेडी हो गए हैं, और इनको विल मैं ले जाकर के अपने शेल्कर बॉक्स में रख दूंगी ताकि मेरी इन्वेंटरी खाली रहे, और फिर इस शिल्कर बॉक्स को मैं ना अपनी एंडर चेस्ट में रख लूंगी। तो जितना भी सामान मुझे अपना म्यूजियम बनाने के लिए चाहिए था वो सारा मैंने इकट्ठा करके रख लिया है, और अब बस चलते हैं। तो फाइनली गाइस मैं उस जगह पर आ चुकी हूँ जहाँ पर मेरा म्यूजियम बनने वाला है। तो यहाँ पर मैंने दर्द से मार्किंग करी है ताकि मुझे पता चले कि मैं कितना बड़ा म्यूजियम बनाने वाली हूँ। वैसे काफी बड़ा बनेगा, और ज्यादा बड़ा भी नहीं बनने वाला कि मैं बना ही ना पाऊँ। तो यहाँ पर जितनी भी दर्द है ना यहाँ पर मैं जल्दी से स्टोन लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। विलेजर हॉल में आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ स्पेशल ब्लॉक्स चाहिए थे जो कि मुझे विलेजर ही दे सकते हैं। तो आप लोग देखो कि ये मुझे क्वार्ट्ज के पिलर ब्लॉक्स दे रहा है, तो मुझे ये चाहिए, इसको मुझे बस एमरल्ड देने हैं। तो एमरल्ड मेरे पास वैसे होने चाहिए क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रखी है। तो यहाँ पर एक एमरल्ड मुझे मिल चुका है, और यहाँ पर तो इतने सारे एमरल्ड रखे हुए हैं ये मैं ले लेती हूँ, और ये जितने भी स्टोन मिशन है ना इनको मैं अपग्रेड करती हूँ, देखते हैं कि मुझे क्या क्या स्पेशल ब्लॉक्स देने वाले हैं। तो ये लोग जितना भी दे रहे हैं ना इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ, जैसे कि चिजल्ड स्टोन ब्रिक्स ये भी मैं यूज़ करने वाली हूँ, और ये कुछ टेराकोटा नहीं शायद से पॉलिश ग्रेनाइट है, और ये टेराकोटा है, ये सब मेरे म्यूजियम में यूज़ होने वाले हैं। तो देखो गाइस मुझे पिलर ब्लॉक दे रहा है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होने वाला है, तो मैं इसे मतलब ले लूँगी।
तो चलो दूसरे वाले को भी अपग्रेड करके देखते हैं कि वो मुझे कौन सा स्पेशल ब्लॉक देने वाला है। तो चलो गाइस इस वाले स्टोन मिशन को भी अपग्रेड करते हैं कि देखते हैं कि मुझे कौन सा क्वार्ट्ज का स्पेशल ब्लॉक देगा। फिलहाल तो ये जो चिजल स्टोन ब्रिक है ना, इसका मुझे चार चार स्टैक चाहिए। फिलहाल तो गाइस इससे जितना मुझे मिल पा रहा है मैं उतना ले लेती हूँ। इसके बाद जैसे इसकी ट्रेड वापस आएगी मैं इसे और खरीदने वाली हूँ। तो फिलहाल तो ये मुझे क्वार्ट्ज का ब्लॉक दे रहा है। अगर मैं क्वार्ट्ज के ब्लॉक को फर्नेस में पका दूं तो ये स्मूथ क्वार्ट्ज ब्लॉक बन जाएगा जो कि मुझे चाहिए। तो जैसे ही 5-6 स्टैक मेरे पास हो जाएंगे ना, इनसे मैं खरीदने वाली हूँ। इसके बाद मैं इसको सीधा ले जाकर की मुझे लगाने वाली हूँ। तब तक बाकी का सामान इकट्ठा कर लेते हैं। तो जितना भी सामान मुझे चाहिए था वो सारा मैंने इकट्ठा कर लिया है। और आप लोग देखो कि ये जो मेरा म्यूजियम है वो 10% अभी कंप्लीट हुआ है, अभी बहुत काम बाकी है इसमें। तो फिलहाल तो मैं आराम से लैंड करने वाली थी, लेकिन कोई बात नहीं। तो गाइस देखो इसकी पिलर जो बने ना बहुत ही गंदे लग रहे देखने में, इनको मैं दोबारा से तोड़ करके बनाने वाली हूँ। मतलब अभी मैं देख रही थी कि कैसे बनेगा, कैसे क्या करेगा, क्योंकि मैं अपने मन से बना रही हूँ, मैंने कभी कहीं देखा ही नहीं। तो चलो गाइस फिलहाल तो मैं आपको ऊपर से दिखा देती हूँ कि कैसा लगेगा ऊपर से। तो आप लोग देखो कि इसके जो बड़े बड़े रूम है ना, इतने बड़े नहीं बनेंगे, मैं तो थोड़ा सा छोटा बनाने वाली हूँ। वो मैंने ऐसे बनाया ताकि मुझे समझ में आए कि कितना बड़ा बनेगा ये। तो चलो गाइस जल्द से मैं अपने म्यूजियम का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा म्यूजियम कैसा लग रहा है। फिलहाल तो खुद के अपने घर बना लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर इतना अंधेरा है कि इतने सारे मॉब्स आ रहे हैं और बार बार मुझे मार रहे हैं। फिलहाल तो मैं इनको मार देती हूँ। पता नहीं स्पाइडर मुझे दिन में क्यों मार रही है, और क्योंकि मैंने अपना जो म्यूजियम है थोड़ा ऊंचा भी बनाया था, इसके नीचे इतने मॉब्स स्पॉन होते हैं, मतलब कि बार बार स्पॉन होते हैं और मुझे मारने चले आते हैं, और ये लोग मुझे मेरा कुछ बिगाड़ पाते नहीं है। फिलहाल तो मैं इनको मार देती हूँ। और जैसे कि मैंने कहा था इसकी पिलर मुझे चेंज करने, मैंने थोड़ा सा चेंज किया, फिर भी अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़े मोटे बनाने थे। और यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत छत बना दी है, ज़्यादा काम मैंने किया नहीं है यहाँ पर। और इसकी साइड साइड भी मैंने थोड़ा बहुत बनाया है। तो अभी मैं दोबारा से विलेज गई थी लेने के लिए, क्योंकि मेरे ब्लॉक्स ख़त्म हो गए थे। तो चलो गाइस दोबारा से यहाँ पर लगते हैं काम पर और दोबारा से ब्लॉक लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो गाइस अपना काम पूरा होने वाला है, जल्दी से मैं अपना काम को ख़त्म करती हूँ। फाइनली गाइस मेरा म्यूजियम बनके रेडी हो गया है, और आप लोग कमेंट बताना कि कैसा लग रहा है। बाकी आप लोगों ने देख ही लिया कि ये देखने में कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। बाकी का इसको बनाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि इसका डिजाइन मैंने कहीं देखा नहीं था, जितना भी बनाया सब अपने मन से बनाया। बाकी का अगले वीडियो में इसका इंटीरियर बनाएंगे। आप लोग कमेंट बताना कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए गुड बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।